Hello students, so we are back with a new video on Assam JEE 2021 exam. So काफी सारे students ने request किया था कि marks और pattern cut off marks discuss करने के लिए. So उन लोग के लिए ये लो video है exclusively for those students who want to know how to prepare and what are the cut off marks of the exam. And all the so in this video we'll discuss about the dates. Next we'll discuss about the marks, like how the total marks and how many marks from which subject we'll discuss that one, and then we'll see the pattern of question paper. So question paper ka pattern kaisa hota hai, easy hoga, difficult hoga ya fir medium level ke questions hoga, wo sab hum log discuss karenge is video pe. Aur next hum log dekhenge ki cutoff marks kitna hona chahiye for different engineering colleges, AEC, JEC, बड़ागुली इंजीनियरिंग कॉलेज, उन लोग के सबके लिए कटऑफ मार्क्स कितना वेरी करेगा और कितना मिनिमम कटऑफ कितना चाहिए होगा फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स. और एट लास्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टिप्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वी विल डिस्कस दैट वन. सो होप एवरीवन इज डूइंग वेल, सबने प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया है और सब ऑल स्टडिंग सीरियसली. सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो. But before starting, don't forget to like, subscribe, and share our YouTube channel, and also visit our website for all the mock test study materials and any new updates. So let's start. First of all, this is the information voucher for Joint Lateral Entry Examination. So JEE 2021. This is the information voucher. So, आप सबको पता है कि एग्जाम जो कंडक्ट किया था वो असम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनिवर्सिटी कंडक्ट करते हैं, तो एसटीयू कंडक्ट करते हैं हर साल इस एग्जाम को. अर्लियर एग्जाम वाज कंडक्टेड बाय डीटी असम, नाउ ये अभी ये एसटीयू के अंदर में चला गया, तो एसटीयू इसको कंडक्ट करते हैं हर साल, हर ईयर एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है. और इसका सेंटर मोस्टली गुवाहाटी में रहता है या फिर जोरहाट में रहता है. सो लेट्स गो वन बाय वन. सो this is the your information voucher, nothing to discuss here. Next page, see the date of exam is your September 26. Exam ka date is September 26, 2021 ka exam ka date hai. And what's the time? 3 hours ka exam rahega, 11 to 2 pm. And center hai is bar Guwahati and Jorhat. So as generally sabko pata hai ki the pattern rahega question paper ka, wo MCQs type rahega, matlab total mein हर पर क्वेश्चन फोर चॉइसेस विल बी देयर, पर क्वेश्चन फोर चॉइसेस विल बी देयर. सो वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट चॉइसेस, करेक्ट आंसर. सो एंड पर क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल मार्क्स, पर क्वेश्चन टोटल मार्क्स इज 4, पर क्वेश्चन टोटल मार्क्स इज 4 मार्क्स. एंड व्हाट इज द नेगेटिव मार्क, नेगेटिव मार्क रहेगा 1/4, ठीक है. तो मतलब 1 मार्क नेगेटिव रहेगा, 1 मार्क नेगेटिव पर क्वेश्चन. सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जो सिलेबस है वो बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. लेट्स सी द सिलेबस. 1 इज योर मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स जो बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का बेसिक मैथमेटिक्स होता है, उसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे. जो फर्स्ट सिलेबस हो गया मैथमेटिक्स, सेकंड जो सब्जेक्ट है वो हो गया बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन कंपल्सरी है. जो थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड वो वाला सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर, उससे 10 क्वेश्चन आएगा. जनरली बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से इतना टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा. सो कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन विल बी देयर. हाउ मेनी क्वेश्चन इज देयर, कंप्यूटर प्लस मैथमेटिक्स हो गया 40 क्वेश्चन. नेक्स्ट ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स जो फर्स्ट सेमेस्टर और सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है थर्ड सेमेस्टर में, उसमें जो जो हम लोग ने स्टडी किया है वो उसमें डिपेंड करके 10 क्वेश्चन आएगा ग्राफिक्स से. ग्राफिक्स भी बेसिक लेवल का ही रहेगा, उतना टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा. सो ग्राफिक्स को कंसिडर करते तो टोटल कितना हो गया 50 क्वेश्चन. और बाकी जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो इंजीनियरिंग जो रेस्पेक्टिव जो ब्रांच होगा, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का 50 क्वेश्चंस. सो हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर, टोटल विल बी 100 क्वेश्चन, ठीक है.
सिविल इंजीनियरिंग हो गया 50 क्वेश्चन, बाकी 50 क्वेश्चंस। सो हम लोग का टारगेट यही रहेगा कि मैक्सिमम फॉर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हम लोग एटलीस्ट जो 40 क्वेश्चंस हम लोग कलेक्ट कर ले, सिविल इंजीनियरिंग से एटलीस्ट 40 क्वेश्चन हम लोग करेक्टली आंसर कर सके, ये हम लोग टारगेट रहेगा। और बाकी जो 50 क्वेश्चंस जो रहेगा उसमें से 50% हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज मिनिमम 50%, तो सपोज 25 क्वेश्चंस हम लोग ने करेक्टली आंसर किया, टोटल हम लोग हो गए 65। ठीक है, 65 अगर हम लोग टोटल करेक्टली आंसर कर लिया इंटू 4 मार्क्स तो इट विल बी 260 मार्क। एक चीज बता दूं आप सबको, सब लोग को, कि यहाँ पर टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 400 मार्क्स। ओके, सो टोटल 400 मार्क्स, सो 260 आउट ऑफ 400 इज ए वेरी 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 गुड स्कोर। ओके, मतलब ऑलमोस्ट श्योर हो गया कि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा सीट मिल जाएगा, कोई भी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में, एसी जेसी जो जिसका जो चॉइस रहेगा उस हिसाब से ऑलमोस्ट श्योर है। अगर 65 क्वेश्चन हम लोग ने करेक्टली आंसर कर लिया तो हम लोग का ये टारगेट रहेगा कि जो हम लोग जो लेक्चर सीरीज हम लोग ने स्टार्ट किया है, सो आउट ऑफ उस लेक्चर सीरीज से मिनिमम 40-45 क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली कॉमन आ जाए एग्जाम में। तो डोंट मिस, एक भी लेक्चर मिस मत करना, जो पैटर्न है लेटेस्ट पैटर्न उसके हिसाब से हम लोग नोट्स बना रहे हैं, जो हम लोग क्लासेस देंगे उसके हिसाब से क्लासेस देंगे। तो 40-45 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का कॉमन रहेगा एग्जाम में हम लोग का नोट्स और यूट्यूब वीडियोस से। ठीक है, सो ये हो गया पैटर्न का, एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, तो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। नेक्स्ट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्रोसीजर वो ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें फोटो अपलोड करना पड़ेगा, बाकी फोटो जो रिसाइज आप लोग को करना है वो पेंट में जाके कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे फोटो का जो रिसाइज है, फोटो अगर फोटो का रिसाइज आप पेंट में जाके कर सकते हैं, फोटो रिसाइज पेंट में, एमएस पेंट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट उसमें जाके कर सकते हैं। हम लोग कितना केबी का वो चाहिए वो एमएस पेंट में जाके कर सकते हैं फोटो का रिसाइज। तो ये एप्लीकेशन ऑनलाइन है, सिग्नेचर फोटो अपलोड करना पड़ेगा, बाकी जो डिटेल्स रहेगा उसे आपको एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी करेक्टली एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो पेमेंट के लिए, पेमेंट के लिए हम लोग एटीएम कार्ड भी यूज कर सकते हैं और नेट बैंकिंग दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। अभी रिसेंटली काफी सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया है कि मतलब जो पेमेंट का सिस्टम है वो अभी तक कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं उसमें, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वेट फॉर 2-3 डेज और वेट फॉर 1 डेज, आई थिंक फ्रॉम टुमारो पेमेंट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। वेट फॉर 1 डे, ओके, वेट 1 डे फॉर द पेमेंट थिंग। सो बाकी जो मेनली एग्जामिनेशन सेंटर गुवाहाटी और जोरहाट में है ये सबको पता है, और जो रिजल्ट और जो डिक्लेयर होगा वो आस्टू के वेबसाइट में डिक्लेयर होगा, www.stu.ac.in। और जो आंसर की रहेगा एग्जाम के बाद जो आंसर की रहेगा, जिस दिन एग्जाम होगा उसके नेक्स्ट दिन हम लोग आंसर की अपलोड करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, यहाँ पर नोट लिख के देता हूँ आप सबको, तो आंसर की जो करेक्ट आंसर रहेगा, आंसर किस हम एग्जाम 26 को है, 27 सितंबर को आंसर की विल बी अवेलेबल इन दिस यूट्यूब चैनल। ये वाला यूट्यूब चैनल चेक कर सब लोग चेक कीजिए, तो इसमें आंसर की मिल जाएगा, डिटेल सॉल्यूशन और आंसर की। ठीक है, आफ्टर एग्जाम नेक्स्ट दिन हम लोग अपलोड कर लेंगे इस चैनल पे। ये हो गया इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट, जो सबको पता है ये क्वेश्चन पर जो एग्जाम होगा ओएमआर सीट पर होगा, तो इसको हम लोग को राउंड करना पड़ेगा, ऐसे ओएमआर सीट का ऐसे बबल्स रहेगा। ठीक है, सो ब्लैक, आई थिंक ब्लैक डॉट पेन से इसको बबल करना पड़ेगा, इट्स लाइक दैट। ठीक है, ऐसा जैसे स्क्रीन में दिखाया ऐसा बबल करना पड़ेगा।
जो एडमिट कार्ड ये तो आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं 7 days बिफोर डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो 26 को एग्जाम है, फ्रॉम 19 सितंबर एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल इन द ASTU वेबसाइट। रिमेंबर एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन द ASTU वेबसाइट, चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। बाकी तो पेन कुछ आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। यस द ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, सो ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन कैन बी यूज्ड। सो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लाइक सेलो ग्रिपर ब्लैक, सेलो मैक्स राइटर अच्छा पेन, वो सब यूज कर सकते हैं आप लोग। स्मार्ट जेल यूज मत करना, स्मार्ट जेल कभी भी यूज मत करना। जो लिंक का स्मार्ट जेल पेन है उसको यूज मत करना। स्मार्ट जेल यूज मत करना, ठीक है। और बाकी जो और कुछ जो बाकी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर वीडियो के एंड में कमेंट में भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए वो ये है कि जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आप लोग अपने एग्जाम ले आ सकते हैं घर में, मतलब वो आपको बैग दिया जाएगा और जो OMR शीट है उसको सबमिट करना पड़ेगा। और कैलकुलेटर लॉक टेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉच कुछ भी अलाउड नहीं है, ये सब लेके मत जाइए एग्जाम में। मोबाइल फोन्स नॉट अलाउड। सो द डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 3rd September, एंड हो जाएगा 17 September में। एडमिट कार्ड विल बी लाइक 19 या 20 को एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, ठीक है, 19-20 September। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, 26 को एग्जाम है, एज पर आवर आइडिया रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 5th October 2021 रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। इससे पहले भी एग्जाम के नेक्स्ट दिन का हम लोग आंसर की फिर कट ऑफ फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे इस चैनल पे, तो डोंट मिस द आवर द वीडियो एंड चेक आवर वेबसाइट आल्सो फॉर द अपडेट्स, ठीक है। तो ये काफी शॉर्ट वीडियो था बस इंफॉर्मेशन के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए, विल गेट बैक टू यू। सो कमिंग बैक टू द डेट्स, तो डेट्स सबको पता है, 3rd September से स्टार्ट है, 17 September ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगा और एग्जाम 26 September। मार्क्स जो है ये टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम है और इसमें से अगर मिनिमम 65 क्वेश्चन और 260 मार्क्स अगर किसी ने स्कोर कर लिया और फॉर टाइमिंग 250 मार्क्स भी स्कोर कर लिया तो उसका कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई भी सीट कन्फर्म है। अभी सीट के बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो पे लास्ट में, ठीक है सर। और एक चीज सीट के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना सीट है और फिर कितना कट ऑफ जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कट ऑफ मार्क्स अभी इस वीडियो के लास्ट में। पैटर्न सबको पता है, MCQ पैटर्न रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट टिप्स और जो सीट के बारे में अब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। सो लेट्स मूव टू द सीट, सीट के बारे में कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है, सीट कितना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। असम में बेसिकली एक हो गया असम इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, और जो ओल्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जो अच्छा मतलब क्वालिटी एजुकेशन देते हैं तो वो असम इंजीनियरिंग कॉलेज, जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर हो गया जीस्ट, जोरहाट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर कोकराझार में जो BBEC कॉलेज है, नेक्स्ट बड़ाकबली इंजीनियरिंग कॉलेज, ये हो गया मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस। और हो गया अभी प्राइवेट कॉलेजेस में ये हो गया गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अभी प्राइवेट कॉलेज में भी लेटरल एडमिशन होता है बेस्ड ऑन ये JEE मार्क्स। तो प्राइवेट कॉलेजेस में तो सबको पता है, एक हो गया रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो रॉयल इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं उसको, रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो गया, नेक्स्ट हो गया डॉन बॉस्को, असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी,
असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये गिरजानंदा हो गया, गिरजानंदा दो दो कैंपस, एक हो गया गुवाहाटी में, एक हो गया तेजपुर में, और इसके बाद हो गया स्कॉलर इंस्टीट्यूट, ये सब प्राइवेट कॉलेजेस है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में इवन JEE का क्लियर भी नहीं हुआ फिर भी एडमिशन मिल जाएगा डोनेशन के ऊपर डिपेंड करके, और तो इसमें कुछ मार्क्स का कुछ भी क्राइटेरिया नहीं रहेगा प्राइवेट कॉलेजेस में, नो मार्क्स क्राइटेरिया, ठीक है, मार्क्स क्राइटेरिया नहीं रहेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या टारगेट करेंगे, ताकि हम लोग को AC में सीट मिल जाए या फिर JEE में एक अच्छा सीट मिल जाए, सब लोग स्टूडेंट यही चाहते हैं कि AC JEE में अच्छे स्टूडेंट मिल जाए, अच्छा सीट मिल जाए। फिर बराबरी इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल स्टार्ट हो जाएगा, इसमें लेटर एडमिशन इस बार थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होगा लेटर एडमिशन, फिर JEE, फिर BBEC, और कुछ अगर नया कॉलेज अगर इस सेशन में स्टार्ट होगा थर्ड सेमेस्टर के लिए तो हम लोग अपडेट कर लेंगे इस चैनल पे। तो अभी देखते हैं सीट कितना रहेगा, फोर टोटल कितना है गवर्नमेंट कॉलेज से, टोटल 4-5, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग कंसीडर करते हैं 10% सीट, जो टोटल सीट रहता है उसका 10% होता है, तो 10% ऑफ टोटल सीट फॉर लेटरल एडमिशन, ठीक है, जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं लेटरल एडमिशन के लिए 10% सीट रहते हैं। से AC में 100 स्टूडेंट 100 सीट, सिविल का तो 10 सीट रहेगा लेटरल का, तो लाइक दैट। तो टोटल हम लोग 4 कॉलेजेस है, 5 कॉलेजेस है, तो मैक्सिमम हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि 10 × 5 हो गया 50, तो नया 50 सीट, तो नया जो कॉलेजेस है उसमें 50 सीट नहीं रहे, उसमें 10 सीट नहीं रहेगा, कम रहेगा। तो मैक्सिमम इस बार मैक्सिमम सीट फॉर 2021 टोटल नंबर ऑफ सीट रहेगा मैक्सिमम 40 सीट्स, मैक्स सीट होगा 40 सीट्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग का बात कर रहा हूं मैं, ओनली सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में 40 सीट्स, ठीक है। तो 40 सीट्स के लिए फॉर श्योर शॉट सिलेक्शन, जैसे AC और JEE के लिए कि जो गवर्नमेंट अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज AC JEE के लिए मार्क्स चाहिए होगा आउट ऑफ 400 ग्रेटर देन और इक्वल टू 190, ठीक है, आउट ऑफ 400 मतलब 190 चाहिए होगा AC और JEE सिलेक्शन के लिए, उसमें सीट मिलने के लिए। बाकी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें अगर मार्क्स पकड़ लो 152, बाकी 150 to 190 अगर मार्क्स रहेगा तो अदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, बाकी अदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 150 to 190 मार्क्स होने से मिल जाएगा सीट। फॉर AC एंड JEE अगर 190 और मोर देन 190 अगर किसी को मिल गया तो उसका सीट ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग पेज में जो नेक्स्ट पेज डिस्कस करने वाले हैं कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, डोंट मिस दिस वीडियो, ओके, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट वीडियो, एंड कोई भी यूट्यूब का कोई भी चैनल में ये वाले इस टाइप का टोटल जो डिस्कशन है कोई भी चैनल में ये अवेलेबल नहीं है। सो नेक्स्ट जो पेज हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल कितना क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करना है ताकि हम लोग को सीट मिल जाए अच्छा कॉलेज में, तो ये इसको हम लोग हाईलाइट करके लिखते हैं। टिप्स फॉर सिलेक्शन, ओके, इसको हम नया कुछ एक अच्छा कलर देते हैं जो ब्लैक में लिखते हैं। सो हम लोग को कितना चाहिए, हम लोग का टारगेट है 190 मार्क्स, कितना टारगेट है आउट ऑफ 400, सो इसको हम लोग अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखते हैं तो पकड़ लीजिए 40
48 पकड़ लीजिए, 48 टू 50 क्वेश्चन हम लोग, 48 टू 50 क्वेश्चन हम लोग को करेक्टली करना पड़ेगा। 48 टू 50 क्वेश्चन आउट ऑफ कितने क्वेश्चन है, टोटल है 100। ठीक है, अभी देखो सब्जेक्ट वाइज में बताता हूँ कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, करेक्टली करना है। कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, डोंट डू नॉट डू लॉटरी, डू नॉट गेस। ठीक है, डू नॉट गेस इन एग्जाम, एग्जाम में गेस मत करना कि ये हो जाएगा अलग, इसमें टुक्का मार देता हूं, टुक्का एक भी मत मारना इस एग्जाम में, एक भी तुक्का मत मारना, जो नेगेटिव चला जाएगा सब नेगेटिव जाके बाद में मार्क्स 100 के नीचे आ जाएगा। डोंट कोई लॉटरी मत मारना, कोई तुक्का मत मारना, गेस भी मत करना, अगर आता है तो आंसर करो, नहीं आता है तो छोड़ दो। तो टोटल 48 टू 50 क्वेश्चन हम लोग को आंसर करना पड़ेगा करेक्टली। तो सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, सो फर्स्ट पकड़ लेते हैं कंप्यूटर, फिर हो गया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है इजी, फिर हो गया मैथ्स, और नेक्स्ट हो गया सिविल। तो इंजीनियर कंप्यूटर में टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम लोग करेक्टली आंसर कर सकते हैं इसमें 3 क्वेश्चन। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इसमें 5 क्वेश्चन करेक्टली आंसर कर सकते हैं इजीली, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन। मैथ्स में 30 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 15 क्वेश्चन आंसर करना ही पड़ेगा 15। तो हम लोग कितना हो गया अभी 23 हो गया, बाकी कितना बाकी है अभी 25। तो सिविल में हम लोग इजिली 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं करेक्टली। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का टारगेट, हम लोग का टारगेट दिया ही रहेगा कंप्यूटर में 3 क्वेश्चन आंसर करना है, लिख देता हूँ इसको डिटेल्स में, 3 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 3 क्वेश्चन करेक्टली आंसर करना है, मैथ्स में कितना करना है हम लोग को करेक्टली 15, और सिविल में 30 क्वेश्चन। तो टोटल कितना हो गया 53 क्वेश्चन, 53 हम लोग करेक्टली आंसर कर लिया, तो इसका इक्वल टू कितना मार्क्स हो जाएगा, 4 मार्क्स हम लोग, एक पर क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स हम लोग का मिल जाएगा 212 मार्क्स। ठीक है, तो मतलब सिलेक्शन पक्का हो गया हम लोग का। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूला को याद भूलना मत, हमेशा याद रखना कि कितना कैसे करना है, किस पैटर्न पर हमको आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें ऊपर में लिख देता हूँ कि नेगेटिव कितना मार्क्स रहेगा, 1 मार्क्स रहेगा नेगेटिव में, नेगेटिव 1 मार्क्स। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो में मैंने सब कुछ इन डिटेल्स डिस्कशन कर लिया, एंड ये वाला वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होगा सब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऐसा वीडियो कोई भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, और इसमें जो मतलब कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, कौन सा सब्जेक्ट कितना मार्क्स करना है, जो पैटर्न रहेगा इसमें इन डिटेल डिस्कशन किया गया है इस वीडियो पे। हाँ, और एक चीज वेरी मच इम्पोर्टेंट जो डिस्कस करना भूल गया, लास्ट में एटलीस्ट डिस्कस कर लेता हूँ कि जो सोर्सेज बता रहे हैं अभी तक जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इस बार एग्जाम का जो लेवल होगा थोड़ा एवरेज टू टफ होगा। ठीक है, एवरेज टू टफ, थोड़ा टफ रहेगा क्वेश्चन का लेवल इस बार, थोड़ा ज्यादा टफ रहेगा, तो इसलिए थोड़ा प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप कुछ डाउट रहेगा तो सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो है ट्यूजडे को। ठीक है, जो मतलब अभी तो ये वीडियो जो जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक ट्यूजडे हो ही जाएगा, तो 7 सितंबर ट्यूजडे आवर क्लास विल बी देयर ऑफ सोयल मैकेनिक्स। ठीक है, सोयल मैकेनिक्स का बेसिक डिस्कस किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास होगा 7 सितंबर ट्यूजडे, ऑनलाइन क्लास सोयल मैकेनिक्स होगा, सोयल मैकेनिक्स का डिस्कशन होगा बाय डॉक्टर अभिनव पाल। ठीक है, सो कल मतलब कल जो ट्यूजडे उसमें अभिनव पाल सोयल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट का क्लास होगा, और होपफुली कल फ्लूइड मैकेनिक्स का भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग 2-3 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं अभी, कल या परसों जो स्टैंडर्ड मटेरियल्स का सेकंड वीडियो भी आ जाएगा, तो प्रिपरेशन तुम लोग स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो कल क्लास होगा, अभिनव पाल, डॉक्टर अभिनव पाल क्लास लेंगे।
डॉक्टर अभिनव पाल इज ए फैकल्टी ऑफ गोलाघाट इंजीनियरिंग कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो काफी ज्यादा यूजफुल होगा कल का क्लास, तुम मिस मत करना। टाइम आई थिंक 8 PM टाइम रहेगा कल 7 September, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो, उसमें एक्स्ट्रा और भी मटेरियल्स मिलेगा, नोट्स मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, और वेबसाइट है उसमें वो चेक करते रहना, उसमें जो जो क्वेश्चन रहेगा मॉक टेस्ट उसमें वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल, स्टडी हार्ड, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल द स्टूडेंट्स।